What has been my swag in terms of? Oh, is it? Shit, I didn't know. Swag says swagat. Is this not swag enough? You need more swag? I'm swag like head to toe. Yes, I want to wish everybody a very, very happy new year. All the viewers of Star, a very, very, very happy new year. Guys, have a prosperous year. Stay happy, stay positive, stay hopeful and get what you want. Thank you. Okay guys, आते. Hi. तो हुआ ना अभी? Hello. Oh, I'm wearing Varun Fello, and yeah, it's amazing sort of design house. So I'm excited. Well, मैं excited हूँ इसलिए भी क्योंकि मेरी फिल्म अनारकली ऑफ आरा बेस्ट एक्ट्रेस जूरी कैटेगरी में नॉमिनेटेड है तो obviously उम्मीदें हैं और excitement है but I think that screen एक ऐसा platform है where you can always be you know sure that deserving talent will win so I think it's अच्छी बात है कि बहुत सारे अच्छे performances रहे इस साल so I'm sure the you know may the best win. Yes, we did the wedding. We finished principal filming, and it's we've had a blast, and we're quite excited. So, Swara, एक और ऐसी खबरें भी हैं कि करीना का बेबी तैमूर भी कहीं एक सीन में नजर आ सकता है. कितनी सच्चाई है बस? मुझे तो नहीं दिखा किसी सीन में. पता नहीं अब अगर जब मैं नहीं थी वैसे किसी सीन में हो तो I have no idea. Thank you guys. नहीं ऐसे थैंक आप बोलिए. What has been your swag or in general? The tagline for the evening is swag is swag. Oh God. What has been your swag? What has been my swag? Smile. कुछ भी बोलो फिर smile कर दो. I think that is my swag. And what are you expecting from 2018? Well, we did the wedding being a big hit. I hope my work being appreciated. I have some other very exciting work lined up, and yeah. और मेरे भाई की शादी हो रही है. Oh हाँ पद्मावती. I hope 2018 तक आ जाए अगर हमारे सारे political parties की लड़ाई झगड़े खत्म हो गए हैं उसके ऊपर. पता नहीं अभी तो ये election जाएगा फिर अगले कौन से election के बाद तक वो film release होगी. I think I really want to watch the film now. I think बहुत शर्मनाक चीज़ है कि एक लोकतंत्र में जहाँ पे हमारे संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है वैसे संदर्भ में इतना हैरेस किया जा रहा है कलाकारों को और एक ऐसे विषय पे जो ऐसा नहीं है कि कोई धार्मिक विषय है ये एक फिक्टिशियस कहानी है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित एक पोयम है ये तो ये मतलब ये ऐसी फीलिंग है हीर रांझा पे कोई लोग लड़ाई करनी शुरू करने या लैला मजनू पे ऐसी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं तो कितना रिडिक्यूलस लगेगा सो आई फ्रैंकली आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट इट्स रिडिक्यूलस एंड आई विश दैट आवर लीडर्स वुड स्टैंड अप फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन किसी के लिए भी मुझे लगता है एक सभ्य समाज में एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में जहाँ पे सरकार का रूल ऑफ लॉ और एक गवर्नेंस होनी चाहिए वहाँ पे अगर आपके ही लीडर खड़े होके बोल रहे हैं कि 5 करोड़ की बाउंटी है और जो भी सर ले आए डायरेक्टर का या हम किसी कलाकार का नाक काट देंगे तो ये बहुत ही घटिया बातें हैं छिछली बातें हैं और शर्मनाक बातें हैं मतलब बहुत ज्यादा बुरी बातें हैं. Swara, ऐसी चीजें आगे ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं आई थिंक उसके लिए बतौर समाज हमें अपना विरोध रजिस्टर करना चाहिए इस पूरे मुद्दे पे कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं है, ये किसी मायने से सही नहीं है, ये ना लोकतांत्रिक आदर्शों के तहत सही है, ये ना हमारे संविधान के तहत सही है और ना ये कानून के तहत सही है। सो या बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जब जेल जाऊंगी तो आप आ जाना मेरा इंटरव्यू लेने। Thank you, सुरेश त्रिवेणी को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला, ये सुन के मैं नाच उठी, मैं गाड़ी में थी, पर आई एम सो थ्रिल्ड। हाँ सिद्धार्थ, दे वांट यू आल्सो हियर, प्लीज। जी गुड इवनिंग सिद्धार्थ। गुड इवनिंग। पहले तो सर आपका रिएक्शन लेना चाहिए किस पे? बहुत ही खुश है। आई हैव सीन द फिल्म 4 टाइम्स आई थिंक ऑलरेडी एंड आई वुडंट माइंड वाचिंग इट अ फिफ्थ, बट इट्स ग्रेट फन। आई हैव लव्ड द फिल्म एंड आई लव्ड विद्यास परफॉर्मेंस इन इट। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट। क्या फीडबैक मिल रहा है इंडस्ट्री से? बहुत बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं। We've been in the theaters for 2.5 weeks and we're still going strong, so बहुत बहुत खुशी हो रही है। और घर से निकलते निकलते दंगल के अवार्ड्स के बारे में भी सुना, तो we are already celebrating। अच्छा, एक बहुत ही फनी लाइन यूज की गई फिल्म में, आपके लिए नहीं है कि जो फिल्म की जो लाइन है कि एक्टर जो है नहाते नहीं, आप लोगों के लिए नहीं, आप बताइए कितना ये